किसी भी देवता की मूर्ति आप घर में एक दो रख सकते हो, पर शंकर भगवान के शिवलिंग का ऐसी कोई पुराण नहीं है जिस पुराण में ये लिखा कि शंकर जी का शिवलिंग एक रखना या दो रखना या तीन रखना। घर में अगर दो शिवलिंग भी है तो भी चलेगा, तीन शिवलिंग है तो भी चलेगा, चार शिवलिंग है तो भी चलेगा, पांच शिवलिंग है तो भी चलेगा, छह शिवलिंग है तो भी चलेगा, सात शिवलिंग है तो भी चलेगा, नौ शिवलिंग है तो भी चलेगा, दस शिवलिंग है तो भी चलेगा, ग्यारह शिवलिंग है तो भी चलेगा, और बारह शिवलिंग है तो समझ लेना बारह ज्योतिर्लिंग ही तुम्हारे घर में। कोई क्वांटिटी यहाँ नहीं लिखी गई, शिव महापुराण में ये क्वांटिटी नहीं लिखी कि आप शंकर का शिवलिंग घर में केवल एक ही रख सकते। कोई तुमसे कह दे कि घर में शंकर का शिवलिंग नहीं होना चाहिए, कोई तुमसे कह दे कि शंकर जी का चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, कोई तुमसे कह दे शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र नहीं खाना चाहिए, कोई तुमसे कह दे शंकर जी पे चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाना चाहिए, तो समझ लेना कि वो आपको केवल पागल बना, वो आपको केवल मूर्ख बना। विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी अपनी गाड़ी पर बैठकर बोल दे कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, शंकर जी पे चढ़ा हुआ बेलपत्र मत खाओ, या शंकर का शिवलिंग अपने घरों में मत रखो, अगर कोई विद्वान से विद्वान भी कर दे तो समझ लेना कि वो मूर्ख बना रहा है, वो पागल बना रहा है। क्योंकि शंकर भगवान की शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता में सब कुछ लिखा है, सब कुछ। और आपको सीओर वाले महाराज पर विश्वास नहीं करना है, आप तो गीता प्रेस गोरखपुर आपके पास में है, कुशीनगर से गोरखपुर 35-40 किलोमीटर दूर होगा, और 35-40 किलोमीटर दूर अगर गोरखपुर है तो गोरखपुर अगर 35-40 किलोमीटर है तो वहां पर जाकर गीता प्रेस गोरखपुर में गीता प्रेस गोरखपुर की में जाइए और गीता प्रेस में जाकर आप वहां से शिव पुराण खरीद के लाओ और उसको पढ़ो, उसका अध्ययन करो और उसमें निकालो कि सीवर वाला महाराज जो जो चीज बोलता है वो पुराण के अंतर्गत है कि नहीं। हमें जल पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए, हमें बेलपत्र खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, हमें प्रसाद लेना चाहिए नहीं लेना। अगर कोई तुमसे कह दे कि शंकर भगवान का एक शिवलिंग घर में है दूसरा मत रखो, इसको ले जाके कहीं रख दो, तो भी हमारे शास्त्रों में यह वर्णन नहीं करा, एक हो दो हो तीन हो, तुम्हारे घर में जो शिवलिंग है, तुम्हारे घर में दादी के हाथ का है पुराना शिवलिंग रखा हुआ है, तुम्हारे घर में दो शिवलिंग रखे हैं, तुम्हारे घर में तीन शिवलिंग रखे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है, आप कितने रख रहे हैं और कितना पूज रहे, ये आपके ऊपर निर्भर है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू, बखान क्या करूं मैं राखों के का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू, आयो शरण दिया शंभु तार। कोई तुमसे कहे कि घर में शिवलिंग नहीं रखना, समझ लेना वो मूर्ख बना रहा है, घर में शिवलिंग होना चाहिए। जिस घर में भगवान शंकर का शिवलिंग नहीं होता वहां का जल भोजन अग्नि शुद्ध नहीं हो पाता, शुद्धता का भाव नहीं दे पाता। और एक और बात अपने अंदर उतार के रख लो, जितने लोग टीवी चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं और जितने लोग कुशीनगर की पवित्र भूमि पर सुन रहे हैं और जितने लोग पूरे देश और विदेश में इस आस्था चैनल से और फेसबुक यूट्यूब से कथा सुन रहे हैं, बहुत ध्यान देना, सारे देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ती है, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगी, भगवान कृष्ण की प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगी, देवी जी की प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगी, कोई देवता है शनि महाराज है कोई देव है इनकी प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगी, पर केवल एक देव अधिदेव महादेव नर्मदेश्वर महादेव कैसे होते हैं जिनके प्राण प्रतिष्ठा की भी जरूरत नहीं पड़ती, स्वयं भू प्रतिष्ठा। एक नर्मदेश्वर महादेव ऐसे हैं जो स्वयं भू प्रतिष्ठित हैं, उनको लाए रखा समझ लो प्रतिष्ठा हो। एक नर्मदेश्वर महादेव ऐसे हैं जिनको प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती, राम जी की प्रतिष्ठा करना पड़ेगी, भगवान कृष्ण की प्रतिष्ठा करना पड़ेगी, देवी देवता की प्रतिष्ठा करना पड़ेगी, सारे देवताओं की प्रतिष्ठा करना पड़ेगी, पर देव अधिदेव महादेव नर्मदेश्वर महादेव कैसे हैं जिनकी प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं, जिनकी प्रतिष्ठा की हमको जरूरत भी नहीं है, आप लाए रख दिया।
आप लाए उसको विराजमान कर दिया, आप लाए भगवान शंकर को घर में लाकर पूजन कर, करो पूजन। आप लोगों में से सीहोर कौन कौन गया है कुबेरेश्वर धाम? हाथ उठाओ, जाए बहुत सारे गए, रखो रखो। अब आप में से कंकर शंकर कौन कौन लेके आया? ठीक है, रख रख। कभी सीहोर का यदि कंकर शंकर आपके पास में है, जहां पूजन कर कर कंकर शंकर को वहां से लेकर आते हो, वहां का यदि एक कंकर भी आपके पास में है, तो उस कंकर को वहां से लेकर आने के बाद में आप एक महीना, दो महीना, तीन महीना, चार महीना जब पूजन करते हो, पूजन करने के बाद आप अपनी कामना कर कर कंकर शंकर लेकर आते हो और पूजन करते हो, और पूजन करते करते आपको जब दो तीन महीना पूर्ण हो जाते हैं, तो उस कंकर को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो उसमें एक बार शंकर का प्रतिबिंब का दर्शन जरूर होता है। कुबेरेश्वर धाम का कंकर कंकर शंकर है, उसके एक एक कंकर में शंकर का दीदार होता ही है। आप उसकी पूजन करते हैं, स्नान कराते हैं। कई कई लोग कहते हैं हमारा कंकर बीच में से टूट गया, कोई के दो टुकड़े हो गए, कोई के चार टुकड़े हो गए, कोई के छह टुकड़े हो गए। उसमें टेंशन वाला विषय नहीं है। यहाँ तक हमने महापुराण की कथा में पहले कहा है कि मंदिर का शिवलिंग के भी टुकड़े हो जाते हैं, तो ये मत समझना कि वो शिवलिंग खंडित है, वो अखंड है। शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता, शिवलिंग शिवलिंग है। शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता। उसके दस टुकड़े हो गए, दशेश्वर महादेव हो गए, ग्यारह हो गए, बारह हो गए, हजारों टुकड़े भी हो गए, सहस्त्रेश्वर हो गए, कभी भी शंकर का शिवलिंग खंडित नहीं माना गया। शंकर का जो शिवलिंग है वो कभी खंडित नहीं, कभी खंडित नहीं माना गया। शंकर भगवान के शिवलिंग को कभी खंडित नहीं माना गया। आपके घर में जो शिवलिंग विराजमान है उसकी आप पूजन कर। जिनके घर में भी सीहोर कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर है, वो अपने पूजन करते समय ध्यान करना, उसको एक बार स्नान पूजन कराकर उसको ध्यान से देखना। ध्यान से भी नहीं देख पाओ तो अपने मोबाइल में उसका स्क्रीन शॉट बढ़ा कर कर देखना, उसमें आपको देवाधिदेव महादेव की एक झलक तो आपको नजर आएगी। बारह ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन तो आपके उस कंकर शंकर में होगा निश्चित। और आज आपसे एक बात बहुत अच्छे से कुशी नगर की पवित्र भूमि पर श्री श्रीमती पूनम जी पांडे जी और श्री ओम प्रकाश जी पांडे जी जो इस कथा को करवा रहे हैं, और आप सब इसको प्रेमवश श्रवण कर रहे हैं। इस कुशी नगर की पवित्र भूमि से हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि जब हमारा विश्वास दृढ़ होता है, अभी हमने कथा में कहा कि भक्ति नो हो सकती है, नवता भक्ति हो सकती है, पर विश्वास नो नहीं हो सकता। भक्ति ढेर हो सकती है, परिभाषाएं बहुत हो सकती हैं, पर विश्वास ढेर नहीं हो सकता। प्रेम किससे होता है, स्नेह किससे होता है, हमारी आसक्ति किससे जुड़ती है, हम किसको बहुत प्यार करने लगते हैं, हम किसको बहुत प्रेम करने लगते हैं, चाहे वो लड़की लड़का हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे माता पिता हो, चाहे भाई भाई हो, चाहे बहन बंधु हो, चाहे रिश्तेदार हो, मामा फूफा मौसा मौसी काका काकी नाना नानी जितने भी हैं, हमारा प्रेम किसके प्रति होता, हमारा प्यार किसके प्रति होता, हमारा स्नेह किसके प्रति होता, जो हमारी परवाह करता है। पत्नी पति की परवाह करती है तो पति का प्रेम पत्नी के प्रति बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। माँ परवाह करती है तो बच्चों का प्रेम माँ के प्रति बोलो जम के बढ़ता जाता है। भाई प्रेम करता है तो भाई का प्रेम भाई के प्रति बढ़ता जाता है। बहन प्रेम करती है, परवाह करती है, परवाह मतलब उसके लिए सोच रही है। पत्नी अगर पति के लिए सोच रही है, पत्नी अगर पति की परवाह कर रही है तो उसका प्रेम बढ़ेगा। पति पत्नी के लिए परवाह कर रहा है, उसके प्रति समर्पण भाव रख रहा है तो उसमें प्रेम बढ़ेगा। भाई भाई की परवाह कर रहा है तो उसका प्रेम बढ़ेगा। बहन भाई की परवाह कर रही है तो उसका प्रेम बढ़ेगा। आपके लिए जो सोचता है, आपकी परवाह जो करता है, आपके लिए विचार जो करता है, आपके लिए बहुत ऊंचे विचार रखता है, आपके लिए बहुत उच्च सोचता है, जो आपके लिए परवाह करता है उसके प्रति आपका प्रेम बढ़ता है।
पत्नी परवाह करेगी तो पति का प्रेम बढ़ेगा, पति परवाह करेगा तो पत्नी का प्रेम बढ़ेगा, भाई भाई के प्रति परवाह करेगा कि इसके लिए सोचना है मुझे, इसके लिए बहुत कुछ करना है मुझे, तो प्रेम बढ़ेगा। देवरानी जेठानी की परवाह करेगी तो उन दोनों का प्रेम बढ़ेगा। उसी तरह जैसे पत्नी पति के लिए परवाह करती है, सोचती है, तो पति का प्रेम बढ़ता है। भाई भाई के लिए सोचता है, परवाह करता है, तो उसका प्रेम बढ़ता है। सास बहू की परवाह करे, बहू सास की परवाह करे, तो उनका प्रेम बढ़ता है। मेरी सास ने चाय पी कि नहीं पी, उसने भोजन करा कि नहीं करा, मेरी सास बैठी होगी, लो मैं चोटी कर आती हूँ, कोई बात नहीं, बुजुर्ग हो गए हैं, उनके हाथ से नहीं बनता, मैं चली जाती हूँ। तुम जितनी परवाह करोगे उससे प्रेम बढ़ेगा, आप जितना जितना उसके लिए सोचोगे उससे प्रेम बढ़ेगा। उसी तरह परवाह करने से प्रेम बढ़ता है। आज लोग कहते हैं कि सारी दुनिया शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रही है, शिव जी के मंदिर जा रही है, लोग शंकर जी का गुणगान कर रहे हैं। पहले तो इतनी पुराने होती थी, लोग कभी नहीं गए, पर अब लोग शंकर जी के मंदिर जाने लगे। उसका क्या कारण है? उसका एक कारण है, आप शंकर जी की परवाह करने लगे तो शंकर जी आपसे प्रेम करने लगे और आपको लुटाने लगे। आप शिव मंदिर में सफाई करने लगे, आप शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगाने लगे, आप शिव जी के मंदिर में पुआड़ी काटने लगे। ये जो पांडे बहन जी ने कथा ली है ना, ये श्रीमती पूनम पांडे जी और श्री ओम प्रकाश जी पांडे जी ये कथा लिए हैं, इनसे पूछना, ये कथा आज की बुकिंग नहीं है, ये कोरोना महामारी के समय की बुकिंग है। कोरोना के पहले की बुकिंग ये कथा की थी, कोरोना महामारी के समय पर इस कथा की बुकिंग हुई थी। कथा और मैं आपको लग रहा होगा कि देव अधिदेव महादेव की कथा श्रीमती पूनम जी पांडे जी ने करा ली, ओम प्रकाश जी पांडे जी ने करा ली, इनसे पूछना, इनके मोहल्ले वालों से पूछना, इनके रिश्तेदारों से पूछना, वो बता देंगे आपको। ये महिला, ये माता एक ऐसी माता है जो हर 3 महीने में कुबेरेश्वर धाम पर जाकर झाड़ू और बुआरी लगा कर आती है। प्रत्येक 3 महीने में ये कुबेरेश्वर धाम पहुंच जाती है, प्रत्येक 3 महीने में, 3 महीने के अंदर अंदर ये कुबेरेश्वर धाम जाती है। हमसे तो इनका मिलना बस इस कथा में पहली बार हुआ। दीदी आपसे हमारा और तुम्हारा कभी मिलना नहीं हुआ। हम जब स्टेशन आए, एयरपोर्ट पहुंचे प्रयागराज से, और गोरखपुर एयरपोर्ट पर आपसे पहली बार मिलना हुआ, हम आपको नहीं पहचाने, पर हमें मालूम पड़ा कि आप लगातार हर 3 महीने में कुबेरेश्वर धाम जाते हो, वहां सेवा करते हो, बुआरी लगा लेते हो, कोई कचरा पड़ा होता है उसको उठाकर कहीं कोने में पटक कर आते हो। आपने बाबा के धाम की इतनी सेवा करी, उस कंकर शंकर की भूमि की, इसलिए तो देव अधिदेव महादेव कृपा करने के लिए यहां आया। ये शिव की उदारता, मैं इस बहन के लिए कहूंगा। कथा चालू होने वाली थी और इस बहन ने कई लोगों से कहा कि देखो बहुत भीड़ आती है, बहुत, इतना भंडारे का खर्चा उठाना हमारे बस की बात नहीं है, बहुत भीड़ आती है, बहुत भीड़ आती है, इतना इतना खर्चा उठाना हमारे बस की बात नहीं है, लाखों जनता आता। तो लोगों ने हंसने लगे, इतनी लाख पब्लिक आएगी, इतना बड़ा बड़ा टेंट लगा दिया, कोई इतनी भीड़ आई और इतने लोगों को कौन खाना खिलाएगा, और कोई आ रहे खाना खाने वाले, इतना भोजन करने वाले, भंडारा करने वाले। इसने कईयों से कहा, आखिरी में बाबा देव अधिदेव महादेव के फिर कुबेरेश्वर धाम चली गई, वहां से कंकर उठाकर चावल चढ़ाकर वहां से लेकर आ गई, और आज भी वो भंडार गृह में उसने वो कंकर और चावल रख रखा है, और ऐसा भंडारा भरा है, ऐसा भंडारा भरा है कि और पीछे के 15 दिन भी अगर लोग भोजन करें तो भंडारा खाली नहीं है। उसका नाम कुबेर भंडारी है, हम उसको कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं, पर उसका नाम कुबेर भंडारी है। कोई निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी अगर एक बार कुबेरेश्वर महादेव की कंकर शंकर की धरा पर बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन लेता है, कोई उस पवित्र भूमि पर बैठकर झोली पसार कर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप कर लेता है, वो कंकर शंकर की धरा पर बैठकर कंकर की पूजन कर लेता है, और कंकर की पूजन कर उससे अपने दिल की बात कहकर बाबा को झोली पसार कर प्रणाम कर जल चढ़ाकर आ जाता है। 3 महीने वो बेग ना खोले, 3 महीने में उसी बेग को लेकर वापस धाम पहुंच जाता है। 3 महीने वो बेग ना खोले, जो बेग लेकर वो कुबेरेश्वर धाम गया उसी बेग को लेकर आएगा। वो बेग खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 3 महीने के अंदर उसको बुलाई जाएगी। उसके मनोरथ पूर्ण करता ही है, उसके कार्य पूर्ण करता ही है, वो साधारण नहीं, वो कुबेर भंडारी की भूमि कुबेरेश्वर महादेव है, वो साधारण नहीं, सहज नहीं, वो कुबेरेश्वर बाबा के लोग। उसने गुरु जी ये 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में, हमने कहा आप पूरा जो मां खड़े होइए, जिस कुबेरेश्वर धाम पर आप खड़े होंगे वहां से आंकड़ा लगाइए, पूरे 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में वहां शिवलिंग की स्थापना, वहां का कंकर शंकर है, वो भूमि कुछ ऐसी है जहां का कंकर ही शंकर है, और जिस शंकर को आप पूजन में जल चढ़ा के आते हो वहां वो कंकर के रूप में विराजमान, उसकी कोई आकृति नहीं है, उसका कोई शिवलिंग की आकृति नहीं है, वो कंकर की आकृति। आप जिसकी परवाह करो वो आपसे प्रेम करे, जिसकी आपने परवाह करी उसने आपसे प्रेम करा, और प्रेम करने वाला कभी भी आपको खाली नहीं देता।
एक सरल भाषा में समझ लो, एक लड़की ने लड़के की परवाह करी, क्यों तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, क्यों आज तुम कॉलेज नहीं आए, परवाह करी, क्यों तुम्हारी गाड़ी पंचर हो गई क्या, मैं तुम्हें लेने आ जाऊं, लड़की लड़के की परवाह करी। जब लड़की ने लड़के की परवाह करी उससे कहा तुम कॉलेज नहीं आए, तुमने खाना नहीं खाया, आज कहाँ चले गए थे, तुम व्हाट्सएप पे दिखे नहीं, तुम इंस्टाग्राम पर दिखे नहीं, तुम फेसबुक पर दिखे नहीं, तुम कहाँ चले गए थे। उसने कहा मुझको ये तकलीफ हुई थी, मुझे ये परेशानी आ गई थी, मेरे घर में ये टेंशन आ गया था। उस लड़की ने उसको कहा चिंता मत करो, बाबा पर छोड़ो, चिंता मत करो, जो होगा देखा जाएंगे। उस लड़की ने लड़के की परवाह करी तो लड़के का प्रेम उस लड़की के प्रति जागृत हो गया, प्रेम जागृत हुआ। अब लड़की ने कहा कि मेरा बैलेंस खत्म हो गया है, तो लड़का कहता है ना मैं तेरे मोबाइल में बैलेंस डलवा देता हूँ। उसी तरह आप शंकर के मंदिर जाओगे, झाड़ू लगाओगे, पोछा लगाओ, उसकी परवाह करोगे, उसके मंदिर में एक लोग का जल चढ़ाओगे, उसको पूछोगे, उसको प्रणाम करोगे, उसकी परवाह करोगे, कितना कचरा हो गया लाओ मैं साफ कर देती हूं, कितना गंदगी हो गया लाओ मैं साफ कर देती हूं। उसके मंदिर में दिया उठाकर रख दिया, दीप प्रज्वलन कर दिया, उसके मंदिर में तुमने बेलपत्र से श्रृंगार कर दिया, पुष्पों से श्रृंगार कर दिया, जब तुम उसकी परवाह करने लगोगे तो उसको तुमसे प्रेम हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा तो तुम्हारा बैलेंस डल जाएगा पक्का। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंगी बाहें फसारे, अपने दे से लगा लो गिरा जा रहा हूँ। आप परवाह करिए वो प्रेम करेगा, प्रेम करेगा देगा। एक पत्र है देखिए, टीएन उपाध्याय की प्राइज गोरखपुर से, टीएन उपाध्याय की प्राइज गोरखपुर, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं ऐसा हाथ हिला दीजिए। टीएन उपाध्याय पिपराइज गोरखपुर से हैं, 2020 से बाबा से तथा से जुड़े हैं। मैं एक व्यापारी हूं जिसमें मुझे बड़ा नुकसान हुआ था, बहुत ज्यादा नुकसान होने के कारण बस संभलना नहीं लगा, तब आपकी कथा ने विश्वास दिया और शिवजी पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया। आपने बट वृक्ष के पूजन का जो विधान बताया था उसको मैंने कर, दुनिया के लोग भले इसको टोटका समझें, दुनिया के लोग भले इसको कुछ भी समझें, पर ये शिव महापुराण के एक एक शब्द शंकर की अविरल वाणी है। आपने जो कहा हमने किया, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि जैसे ही मैंने वो प्रयोग करना प्रारंभ करा, मैं खुद दिन दुगना रात चुगना तरक्की की ओर बढ़ गया, और मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। साथ में मैं पूनम दीदी को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ये शिव पुराण की कथा का आयोजन करवाया। एक बार हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्कार। देखिए एक पत्र और देखिए, बड़ा राधिका देवी, पति का नाम पारस, मध्यशिया, सिसवा बाजार, जनपद महाराजगंज, कहीं बैठी हैं? अच्छा आप ही हैं। श्री शिवाय नमस्ते। मैं राधिका देवी, पति का नाम पारस, मध्यशिया, पता सिसवा। तब पहली बार किसी के कहने पर टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करी। हमारी ननन बड़ी जिन्होंने मुझसे कहा कि अब तुम्हारा कहीं इलाज नहीं है, अब तुम्हारा इलाज महादेव के पास है, तुम एक बार टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करो। हमने काम करते करते कथा सुनना प्रारंभ करी थी, पर मन ऐसा काम कथा में लग गया कि काम को छोड़ गया और कथा चलती रही। बाबा को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा, और बाबा की कृपा से आज मुझे एक गोली नहीं खाना पड़ती, और बाबा की कृपा से मेरा पूरा स्वास्थ्य ठीक हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। बाबा जिस मंदिर में मैं पूजन करने जाती हूँ उस मंदिर में एक लड़का जिसको कोई हाथ पकड़ कर लेकर आया है, जिसकी उम्र 15 साल की है, वो शंकर भगवान के शिवलिंग को टच कर बैठा हुआ था। 15 साल का वो लड़का शिव जी का स्पर्श कर रहा था, उसकी आंखों से कुछ दिख नहीं रहा था, उसके साथ वाला जैसा जैसा उसका हाथ का स्पर्श करा रहा था, बस वो वैसा स्पर्श कर रहा था। मैंने उससे देखा, पूछा बेटा क्या कर रहे हो, तब उसने अपनी परेशानी बताई कि हम दो भाई हैं और हम दोनों भाइयों की आंख में रोशनी नहीं है, हम दोनों की आंखें दिखता नहीं, हमारी आंख की रोशनी नहीं है, हम दोनों भाई एक जैसे हैं, ये भैया हमको लेकर आता है तो हम मंदिर आ जाते हैं, ये कहता है
सियोर वाला महाराज कथा कहता है तो सुना कर टीवी पर, हमें दिखता नहीं तो हम कैसे बाबा पर भरोसा करें। और वो बच्चा 15 साल का, उसका भाई भी है, उसको भी नहीं दिखता, इसको भी नहीं दिखता। हमने कहा तुम्हारे माता पिता कहाँ रहते हैं? उस लड़के को जो लेकर आया था उसके साथ वाले ने उसके माता पिता से मिलवाया हमने। हमने पूछा कहाँ रहते हैं तो कहे हम नाना नानी के घर पर आए हैं और हमारी आंखें नहीं है हम दोनों भाइयों की। अच्छा, तो हमने उनसे कहा कि तुम एक काम करो, तुम्हारी नानी से कहना, तुम्हारी नानी से प्रार्थना करना कि तुम दोनों को एक बार सीहोर लेकर जरूर आए गुरुदेव। अब उन दोनों की आंखें नहीं, वो दोनों बच्चों को लेकर सीहोर, जिस समय पर कावड़ यात्रा थी, आपने व्यासपीठ से कहा था ऐसी कावड़ जिंदगी में नहीं भराएगी जो कावड़ सीहोर में भरा। आपके कहने से वो कावड़ यात्रा में पहुंच गए, आंखों से दोनों अंधे, दोनों को दिखाई नहीं देता, और वो दोनों कावड़ यात्रा में पहुंचे। वहां मंदिर में ही वो बैठे रहे, उनके परिवार के लोग कावड़ भरकर सीवन नदी से लेकर पानी शिवजी को चढ़ा डाला, आए पानी को उठा लिया। उस दिन रुद्राक्ष नहीं मिल रहा था तो एक रात्रि रुक कर दूसरे दिन रुद्राक्ष लिया, लेकर आए उसको पानी में गलाते शिवजी को चढ़ाते। आप कहते हो ना गुरुजी 3 महीने में बाबा सुनता है। जहां वो बैठे रहे उनको कावड़ यात्रा के कोई डंडे की ठोकर लग गई, जो डंडा था उठाने का कावड़ का उसकी ठोकर लगी, और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, 3 महीने के अंदर दोनों भाइयों की आंखें वापिस आ गई। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं। उन दोनों बच्चों के लिए आप आकर बेलपत्र ले जाओ, उनको पहुंचा जाना। उन दोनों बच्चे की आंखें आ गई, बाबा मैंने जिंदगी में अगर कोई पुण्य कमाया था तो यही पुण्य है मेरे बाबा का जो मैंने कथा का वर्णन उनसे कहा, और वो कांवड़ भरने के लिए सीहोर चले गए और उनको बाबा ने कृपा कर दोनों भाइयों को आंखें दी। ये शिव सत्ता, ये घड़ी, ये शंभु। मेरा नाम राधिका देवी, पति का नाम पारस मध्यशिया, पता सिसवा बाजार जनपद महाराजगंज से। शिव तत्व इसी को, शंकर खुद नहीं आते, शिव खुद नहीं आते, शंकर किसी के माध्यम से आपको प्रेरणा देते हैं, किसी के माध्यम। और मेरी जीजियों जितनी यहाँ बैठी हुई हैं, जितने मेरे भाई आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, मेरी जीजियां, मेरी बेटियां, मेरे बेटे जितनी कथा सुन रहे हैं, सबसे निवेदन करेंगे जिसको तुम दुख की घड़ी में देखो उसको एक बार जरूर कहना कि तू हार ना मती, महादेव के पास जरूर जा, 3 महीना तू शंकर को जल चढ़ा कर दे, तेरा महादेव तेरे नैया पार जरूर कर। अपना बेटा एग्जाम में बैठ रहा है, बार बार पास नहीं हो पा रहा, बार बार तकलीफ में है, तो उसको कहो तू हिम्मत मत हारना, तू मेहनत कर, तू अपना कर्म कर, अपनी पढ़ाई कर, अपनी लगन लगा कर बैठ, और महादेव पर विश्वास कर, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, शंकर का गुणगान करना प्रारंभ कर। महाराज जो कोई नहीं देता डमरू वाला देता है, जो कोई नहीं देता डमरू वाला देता है, मेरे हर कदम पर वो ही मेरा साथ देता है, मेरे हर कदम पर वो ही मेरा साथ देता। शिव तत्व है, शंभु हो दयालु। अब आंख से दिखने लगा ना बाबा के पास। बाबा शिव कृपा शंभु हो गए दयाल। वो दीदी कह रही है उन दोनों बच्चों का कोई नहीं, आंखें नहीं थी, पर बाबा ने 3 महीने के अंदर नेत्र दे दिए, ये सबसे बड़ी कृपा। वो अपने नानी के घर रहता, अपने नाना नानी। शिव तत्व है, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ और ना मानो तो बहता पानी हूँ। आप मानोगे तो शिव पुराण वो अमर कथा है, शिव पुराण वो अमृत है, जिसको पी गए तो समझ लो कि एक आनंद की जिंदगी, एक अलमस्त की जिंदगी, एक सुंदर सत्यम और शिवम की जिंदगी थी। शिव तत्व जो जान गया शिव महापुराण को उसके लिए अमृत है शिव पुराण, जो जान गया, जो नहीं जाना वो गया, जो नहीं जाना वो गया।
कितने लोग हैं कुशीनगर में? कुशीनगर में क्या लोगों की कमी है, भक्तों की कमी है? ढेर पड़े। मेरे बाबा के दरवाजे पर, मेरे बाबा की कथा में, मेरे शंभू की कथा में, ओगड़दानी की कथा में वही पहुंच पाता है जिसको मेरा बाबा खींच कर उसकी झोली भरने वाला होता है, तो समझ लो बुला लिया। शिव महापुराण की कथा में अगर आप पहुंचे हो तो समझ लेना कि आप भी उस गिनती में हो। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई, समझना जरा, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसमें जिन जिन को पत्रिका दी गई, जिन जिन को बुलाया गया, वो सब भाग्यशाली थे कि नहीं थे? जम के बोलो जरा, थे ना? कहीं पूर्व के कोई पुण्य करे होंगे, किस्मत प्रबल होगी जो पत्रिका आई और राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का दर्शन किया। अपने आप को कितना भाग्यशाली समझ रहे थे कि बाबा ने, राम जी ने, राघव जी ने कृपा करी, सरयू मैया ने कृपा करी, हनुमंत लाल हनुमानगढ़ी वालों ने कृपा कर दी, कनक बिहारी ने कृपा कर दी जो हमको बुला लिया। ये कृपा थी, ये अपने आप के भाग्य की सराहना। जैसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में बैठे हुए सारे संत साधु ब्राह्मण गुरुजन जितने भी कलाकार गीतिकार जो सलाहकार जो भी होंगे, वो सब अपने आप की भाग्य की सराहना कर रहे थे कि हम कितने किस्मत वाले हैं कि हमें पत्रिका आई, हमें बाबा ने, राम जी ने बुलाया। उसी तरह जितने लोग शिव महापुराण की कथा चाहे आस्था चैनल पर सुने, चाहे फेसबुक पर सुने, चाहे यूट्यूब पर सुने, चाहे पंडाल में सुने, आप रोज भोलेनाथ जी को धन्यवाद दिया करो कि आपने मुझे कथा सुनवाई, आपने मुझे भाग्यशाली बनाया। आप भाग्यशाली, आपकी किस्मत बड़ी प्रबल है जो बाबा ने अपनी लिस्ट में तुम्हारा नाम लिखा है और तुम्हें बुलाया, खींचकर तुम्हारी झोली भर भरा, तुम पर कृपा कर। बोलबम का नारा है, सारी समस्या का हल, आप उसको बुला रहे हैं, आपने उसको बुलाया। एक पत्र है, देखिए, बाबा मैं देवरिया जिले की रहने वाली हूँ, मेरे गांव का नाम कुटिया बौलिया है, इस समय मैं गोरखपुर में रहते हूँ। कहीं बैठी हैं जिन्होंने पत्र भेजा, इसमें उनका नाम नहीं है, बस ये लिखा है, मैं बाबा मैं देवरिया जिले की रहने वाली हूँ, मेरे गांव का नाम कुटिया बौलिया है, इस समय मैं गोरखपुर में रहती हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकते हैं। जिन्होंने पत्र भेजा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, शाहपुर गोरखपुर पता लिखा है, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकते हैं, जहाँ कहीं बैठी हूँ हाथ हिला सकते हैं। मैं क्या गुणगान गाऊं गुरुदेव, मुझे सांस लेने में दिक्कत होती थी, कहीं बैठी हूँ क्या, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकते हैं, मुझे सांस लेने में दिक्कत होती थी, मैंने अल्ट्रासाउंड कराने पर मालूम पड़ा कि बाएं तरफ मेरे को पांच पत्थरी दिखाई दी, पांच पत्थरी दिखाई दी, मुझे पांच स्टोन हो गए और पत्थरी हो गई। बहन के द्वारा बताए जाने पर मैंने शिवालय में जल चढ़ाना प्रारंभ करा, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाती, आचमन करती, बेलपत्र खाती, पर बाबा मेरे दुख कम नहीं हुए, मेरा एक दुख और बढ़ गया। मैंने बाबा के मंदिर जाना तो चालू करा, जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्र खाना चालू करी, पर मेरा एक दुख और बड़ा था। जब मेरा दूसरी बार अल्ट्रासाउंड हुआ, उस अल्ट्रासाउंड में मालूम पड़ा कि मेरे यूट्रस में एक गांठ हो गई है, यूट्रस में गांठ हो गई है, डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन करना जरूरी है और इसका ऑपरेशन करना पड़ा। हम बड़े दुखी हुए, पहले से तो पांच पत्थरी थी और ऊपर से यूट्रस में गठान हो गई, अब करें तो करें। तब मेरे पड़ोस में एक आंटी रहती हैं, उन्होंने मुझे कहा कि तू चिंता मत कर, मेरे पास सीहोर का रुद्राक्ष रखा है, इस रुद्राक्ष को ले, तांबे के कलश में गला, इसका पानी शिवजी को चढ़ा, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से इसका पानी पीना प्रारंभ। मैंने वो पानी पीना प्रारंभ करा, शिवजी के मंदिर में झाड़ू लगाना प्रारंभ करा, पोछा लगाना प्रारंभ करा और पानी शिवजी पे चढ़ा हुआ पीना चालू करा, बेलपत्र खाना प्रारंभ करी। बाबा मुझे क्या मालूम था कि बाबा अगर कुछ करता है तो कुछ अच्छा करने के लिए करता है, मैं तो समझती थी कि मुझे और बीमारी आ गई, पर मेरे बाबा ने मैं ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव। मैंने जब रुद्राक्ष का जल पिया, बेलपत्र खाई, पानी पिया और बाबा की ऐसी कृपा हुई, दूसरी बार मेरा जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसमें ना मेरी पांच पत्थरी थी और ना मेरी यूट्रस में गठान थी, बाबा ने मेरे को पूर्ण तरह से स्वस्थ कर दिया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। शाहपुर गोरखपुर
इनमें नाम नहीं है बाबा, मैं देवरिया जिले की रहने वाली हूँ। मेरा गांव का नाम कुटिया बहुलिया है। इस समय मैं गोरखपुर में रहते थे। शिव तत्व है, शंभु वो घड़ी है। आप उस पर भरोसा करते हैं, आप उस पर विश्वास करते हैं, आप उस पर दृढ़ता रखते हैं। भक्ति नो हो सकती है, मार्ग अनेक हो सकते हैं, पर विश्वास अनेक नहीं हो सकते। विश्वास नौ नहीं हो सकते, विश्वास दस नहीं हो सकते, विश्वास पचास नहीं हो सकते, विश्वास एक ही है। इसलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में पार्वती जी को श्रद्धा कहा और शंकर जी को विश्वास। शंकर विश्वास रूपिण। तुलसीदास बाबा ने शंकर जी को विश्वास की गणना दी है, क्योंकि विश्वास हमारे भीतर जब तक नहीं होगा तब तक शिव नहीं है। और लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले। ये उसकी कृपा है, ये उसके उदार है। उसके बिना कुछ भी नहीं, सब फीका। एक बार पार्वती जी ने भगवान शंकर को महाकाल वन उज्जैन में माँ छिपरा के तट पर माता पार्वती जी ने शिव जी को रोका। कभी कभी धर्म पत्नी भी पति को रोकती है, रुको सावधान, रुको सावधान, इसको टोकना नहीं कहते, उसमें कुछ पति का हित सोच रहे हो, कुछ हित। एक बार हम तिरुपति दर्शन के लिए गए तिरुमाला, और वहां पर एक धर्म की लाइन लगती है और एक उसके टोकन की लाइन लगती है तिरुपति। परंतु आखिरी में भले तुम धर्म की लाइन में लगे हो, चाहे पैसे की लाइन में लगे हो, चाहे टिकट की लाइन में लगे हो, कूपन की लाइन में लगे हो, आखिरी में भगवान नारायण के सामने जब जाते हो तो सारी पैसे वाला हो चाहे साधारण व्यक्ति हो, नारायण के सामने सब एक हो जाते। नारायण के सामने कोई पैसे वाला नहीं है और नारायण के सामने कोई गरीब नहीं है, नारायण के सामने सब एक। नारायण के सामने सब एक, नारायण के सामने कोई पैसे वाला नहीं, नारायण के सामने कोई गरीब नहीं, नारायण के सामने सब एक। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सबकी समता नारायण के सामने। पैसे वालों की भी लाइन लगी थी और धर्म के धक्के खाने वालों की भी लाइन लगी, धर्म के आखिरी में नारायण के सामने सब पहुंच गए, सारे के सारे नारायण के सामने पहुंच। हमने देखा कि एक पत्नी दर्शन करते करते अपने पति का हाथ खींच के पीछे कर दिया, एक पत्नी ने पति का हाथ पकड़ा पीछे कर दिया। अब जितने लोग वहां खड़े थे सब हंसने लगे कि बताओ पति का हाथ पकड़ कर खींच के पीछे कर दिया। थोड़ी देर बाद पति फिर आगे बढ़ा तो पत्नी ने फिर हाथ पकड़ के पीछे कर दिया। फिर पति आगे बढ़ा तो पत्नी ने फिर हाथ पकड़ कर पीछे कर दिया। हम लाइन में लगे हुए थे, दर्शन कर रहे थे, तो हमने देखा सब हंस रहे थे उस पत्नी पर, उस पति पर, कि पति का हाथ पकड़ कर पीछे कर दिया, हाथ पकड़ कर पीछे कर दिया। तब जितने लोग लाइन में लगे थे वो बाहर निकल गए और वो पत्नी और वो पति दोनों हाथ पकड़ कर पत्नी पति को पीछे करती रही, और पति पीछे खसकता रहा, पत्नी फिर हाथ पकड़ कर पीछे करती रही, पति फिर खसकता रहा। सब हंस रहे थे, जो हंस रहे थे वो धक्के खाकर बाहर निकल गए, जो पत्नी पति का हाथ पकड़ कर पीछे कर रही थी वो दोनों कम से कम 7 से 8 मिनट तक नारायण का दर्शन करते रहे। लोगों को लग रहा था कि ये इसको पति को हाथ पकड़ के पीछे कर दिया, लोगों को लगा कि पति को ऐसा कर दिया, पर पत्नी पति का हित सोच रही थी हमेशा, उसके विचार अच्छे थे, पर दुनिया के विचार ठीक नहीं। बहुत बहुत विचार था लोगों के। कई लोग बहुत बहुत होशियार होते हैं, पूनम जी जी, कई लोग बहुत होशियार होते हैं, इतना बड़ा झोला लाते हैं, उसमें पन्नी लाते हैं, पन्नी में बेलपत्र लाते हैं, माला लाते हैं, साल लाते हैं,
झोला लेके पास में खड़े होते हैं, फिर धीरे धीरे साल निकालते, फिर माला निकालते, फिर बेलपत्री निकालते, फिर बाबा को चढ़ाते। क्यों? उतनी देर कैमरे में भी तो आते हैं। और कई ऐसे होते हैं, आए प्रणाम करा, बाबा को नमन करा, एक झलक पोथी का दर्शन, अब वो बेग में रह गई, वो पन्नी में रह गई, वो साल में रह गई, वो माला में रह गई। उतनी देर वो माला ढूंढ रही थी, उतनी देर आई थी और एक सेकंड के लिए इस पोथी का दीदार करके स्पर्श कर चली जाती, तो वैसे ही माला माला अब वो उसमें रह गई। दिक्कत तो वही है ना। अब कहते हैं गुरु जी तुम व्यास पीठ पैसा चढ़ाने का मना करते, क्यों? उतनी देर तुम पर्स खोलोगे, पैसा निकालोगे, जेब में हाथ डालोगे। और शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान के मंदिर में भी जाना, भगवान के सामने भी जाना, तो उसको नीचा मत दिखाना, ये मत सोचना कि भगवान कुछ लेने के लिए बैठा है। भोलेनाथ तो 24 घंटे लुटाने के लिए बैठा है। तुम लूट लो जितना चाहिए, पालो जितना चाहिए। इतनी देर तुमने बेग खोला, इतनी देर तुमने पन्नी निकाली, माला निकाली, साल निकाला, उतनी देर ना जी भर के देखा। क्या बोलते हो? ना जी भर के देखा, ना कोई बात की बड़ी मुला। कितनी दूर से आए थे, मौका भी मिल गया, पूनम जी ने ऊपर भी चढ़ा दिया तुम्हें मंच पे। कितने किस्मत वाले हो, सोचो कितने भाग्यशाली। मंच पे भी चढ़ा दिया, उसके बाद भी भाटा पड़े हो तो कोई करे बे बोला माला। उतनी देर में तो यहाँ आती, झोली पसारती, झोली भरती और चली जाती। बाबा वैसे ही रहते झोले। या तो एक झलक पाना है, एक झलक के लिए। अरे पूनम दीदी तुम्हारे यहाँ की कथा में लोग लिख के भेजे, पत्र नीचे रखा है, अब हम ढूंढेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। कल का पत्र आपने किसी भी कथा में जितने पत्र पढ़े सबको आपने बेल पत्र दिए, और बाकी के पीछे की जितनी कथा हुई इसमें पत्र पढ़े पर सबको बेल पत्र नहीं दिए, सबको मैं बिठा देते थे पत्र पढ़कर। तो कुशीनगर में तुमने ऐसा क्यों कहा? हमारा तुम्हारा झगड़ा। अरे कितनी पवित्र भूमि है जहाँ गौतम बुद्ध भी अपनी ज्योति को ज्योति में मिला रहे होते हैं, वो भूमि साधारण है। साधारण नहीं, अब उसके मन में भाव जागृत हो गया, पर कहीं ना कहीं बाबा बाबा। एक बार परम पूज्य मुरारी बापू जी एक कथा कह रहे थे, उसमें दृष्टांत सुना रहे थे। एक दृष्टांत उन्होंने बड़ा सुंदर सुनाया कि एक पत्रकार ने उनसे प्रश्न किया कि हमें जो पूछना होता है आपको जवाब कैसे दे देते हो, आपको कैसे मालूम पड़ जाता है कि हमको यही पूछना है। कई माताएं ऐसी आती हैं प्रश्न लेकर, मेरे को पूछना है मेरे यहाँ दो शिवलिंग है, कहीं पूछती मेरे यहाँ शंकर शंकर है उसके टुकड़े हो गए, कोई पूछती मेरे को ये प्रॉब्लम, तो आपको कैसे मालूम पड़ जाता है कि हमको ये पूछना है। कई टीवी पर कथा सुनते हैं वो कह देते हैं, आपको कैसे मालूम पड़ जाता है कि हमने हमारे मन में आज बात की और हमें पूछना था और उत्तर मिल गया। उसका उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि देखो एक ऊंट पर बैठकर रेगिस्तान में एक भाई जा रहा था और एक 80 साल की बूढ़ी माँ सिर पे बड़ा सारा पोटला रखी थी। परम पूज्य मुरारी बापू का बड़ा सुंदर यह दृष्टांत, उन्होंने कहा 80 साल की बूढ़ी माँ सिर पे पोटला रखी है, ऊंट पर एक भाई जा रहा था, इसको बूढ़ी है 80 साल की, पोटला भी भारी है, गर्मी भी बहुत तेज पड़ रही थी। उसने ऊंट वाले से कहा भैया भैया रुको, भैया रुको, भैया भैया रुको। ऊंट वाले ने पूछा क्या है? मेरा पोटला और मुझे ऊंट पर बिठा लो, गर्मी लग रही है, मुझे 3 मील की दूरी पर जाना, थक गई, और अगर मुझे नहीं ले जा सकते तो मेरे पोटले को ले, मेरा यह पोटला। ऊंट वाला थोड़े से आगे पहुंचा एक मील पर, उसके मन में आया बुढ़िया 80 साल की इतनी धूप में पोटला लेकर जा रही है, मतलब पोटले में जरूर कुछ ना कुछ कीमती सामान, और मेरी भी बुद्धि मारी गई। बुढ़िया कह रही थी मेरे को मत ले जा, तो पोटले को ले जा, हनुमान जी के मंदिर में रख देना, मेरे को पोटला ले लेना था और उसको अपने गांव ले जाता। बुढ़िया पड़ी रही, उसने सोचा अभी क्या बिगड़ा, वापस चलो। उसने एक मील से अपना ऊंट वापस लिया, बुढ़िया के पास आया, बुढ़िया से कहा माँ, ओ माँ तो कितनी बूढ़ी है, थक जाएगी, ला तेरा पोटला मैं ऊंट पर रखकर ले जाता हूँ। इतने में बुढ़िया ने कहा अब मुझे पोटला नहीं देना, मुझे पोटला नहीं देना, क्यों नहीं देना? नहीं देना, अरे तो मिल जा, नहीं देना ना तेरे को पोटला, नहीं देना तो क्यों नहीं देना? उसने कहा क्यों नहीं देना? तो बुढ़िया ने कहा तू आधे रास्ते पहुंच गया था, तुझे किसी ने कहा कि वापिस जा लेकर आ, पोटला घर ले जाना, जिसने तुझे कहा था उसी ने मुझे पहले ही आकर बता दिया था, देना मत ही, छोटा है।
छोटा है, देना मत इसको, दिल बोल जाता है, दिल बोल। कभी कभी आप प्रश्न कर बैठते हो और कथा के मध्य में आपने जो सोचा था दिन भर से, दो दिन से सोच रही थी, वो प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। कभी समझ लेना, उस शंभू का निवास अगर तुम्हारे दिल में है तो शंभू का निवास कथा करने वाले की वाणी और दिल में भी है, तो आपके दिल की बात समझ जाए। वक्ता और श्रोता का भाव क्या है, वक्ता और श्रोता का आनंद क्या है, वक्ता और श्रोता का मतलब क्या है। वक्ता और श्रोता का मतलब है वक्ता कथा वही कथा है जो श्रोता सुनना चाहता है। श्रोता के दिल में जो उमंग उत्पन्न होती है, श्रोता के दिल में जो उमंग उत्पन्न होती है, श्रोता के दिल में जो बात उत्पन्न होती है, श्रोता के दिल में जो प्रश्न उत्तर होता है उत्पन्न होता है, वही वक्ता उस व्यासपीठ से कहना चाहता है। शंकर भगवान का हाथ पकड़कर पार्वती जी ने रोक दिया, प्रभु रुको, मां चिपरा का तट महाकाल वन, शिव जी बोलो, शिव जी महाराज। शिव जी ने पूछा पार्वती तू मेरा हाथ पकड़कर यहाँ क्यों रोक रही है, कारण क्या, क्या कारण। पार्वती जी ने पूछा ये छिपरा के पवित्र तट पर महाकाल राजा आज आपसे ये महाकाली पूछ रही है, आप संसार के किन लोगों को अपना वैभव देना जानते हो, थोड़ा समझिए। पढ़ाई की डिग्री खूब ले लो, कितनी भी पढ़ाई कर लो, कितनी भी पढ़ाई कर लो, कितनी भी डिग्रियां ले लो, तुमने कितनी भी पढ़ाई करी हो, कितनी भी डिग्रियां ली हो, आप उससे विद्वान नहीं कहलाओगे। आपकी विद्वत्ता वो है जब आप किसी पीड़ित की पीड़ा को पढ़ पाओगे, किसी के दुख को समझ पाओगे, तो समझना कि आपने पढ़ाई करी। आप पढ़कर बहुत ऊंचे अहदे पर बैठकर किसी के दुख को नहीं जान पा रहे, किसी की पीड़ा को नहीं पढ़ पा रहे, किसी की तकलीफ को नहीं जान पा रहे, किसी के कष्ट को नहीं जान पा रहे, तो तुम्हारा पढ़ना बेकार है। डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, कमिश्नर बन गए, ये बन गए, वो बन गए, कुर्सी पर बैठ गए, पद पर बैठ गए, मंत्री संतरी का मंत्री, सब बनकर बैठ सकते हो, सब कुछ हो सकता है, पर आप अगर अच्छे से अच्छी पढ़ाई भी करी और आपने पढ़ तो लिए हो, पर किसी की पीड़ा पढ़ना नहीं जानी, किसी का दुख पढ़ना नहीं जाना, किसी का चेहरा पढ़ना नहीं जाना, किसी के दुख में खड़े होना नहीं जाना, तो तुम्हारा फिर इंजीनियर बनना चाहे तुम्हारा मिनिस्टर बनना सब व्यर्थ है। पीड़ा पढ़ना जान गए तो समझ लो तुमने पढ़ाई कर ली। मेरे भोलेनाथ, मेरे शंभू, मेरे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी पीड़ा पढ़ते हैं। जल चढ़ाने वाले के हाथ का कंपन बता देता है कि इसको दुख क्या है। शंकर जी को जो हाथ जल चढ़ाने के लिए जाता है, लोटा भर के जो जल तुम हाथ से चढ़ाते हो, वो हाथ शंकर के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में हम क्यों कहते हैं तुमसे कि लोटा भर के जल चढ़ाओ, क्यों कहते हैं, क्योंकि जब डॉक्टर देखता है तो सबसे पहले हाथ पकड़ता है, वेद देखता है तो सबसे पहले हाथ पकड़ता है, अगर होम्योपैथी डॉक्टर के पास भी जाओगे तो सबसे पहले हाथ पकड़ता है, अगर नीडल भी चढ़ाएगा, बोतल भी चढ़ाएगा तो हाथ से चढ़ाएगा, अगर खून भी निकालेगा तो हाथ निकालेगा, ये हाथ की गर्मी ज्यादा है, इसलिए हाथ से पहचाना जाता है कि तुझे बुखार कितना है, हाथ से पहचाना जाता है कि तेरी लीला कितनी है, हाथ से पहचाना जाता है कि तेरी शुगर कितनी है, हाथ से पहचाना जाता है कि तेरा बीपी कितना है, हाथ से पहचाना जाता है कि तेरा ब्लड प्रेशर कितना है, उसी तरह महादेव भी तू हाथ से जल चढ़ाता है, हाथ देखकर पहचान जाता है कि तुझे दुख कितना है, महादेव भी तेरा हाथ देखकर पहचान जाता है कि तुझे तकलीफ कितनी है, तू जो जल भर कर लाया है, अपने घर से पानी भर कर लाया है और मेरे मंदिर में आकर तू जो जल चढ़ा रहा है, तू नहीं भी कहेगा ना, तेरा जल, तेरा लोटा और तेरा पानी और तेरे दिल का भाव बता देगा कि तेरा दुख क्या है, वो समझता है, वो जानता है, वो पहचानता है तेरे दुख, वो तेरे दुख को जान जाता है। पढ़ाई करी आपने, बहुत करी, आपके पास में डिग्री होगी, बहुत हो, मना नहीं, पर आप पीड़ा नहीं जानते, अगर पीड़ा जान गए तो समझ लो आपकी पढ़ाई सही है। आप अपनी पत्नी के दिल की पीड़ा जान गए, आप अपने पति के दिल की पीड़ा जान गए, आप अपने बच्चों की पीड़ा जान गए, आप अपने माता पिता की पीड़ा जान गए, समझ लो आप अपने रिश्तेदारों की पीड़ा जान गए, तो समझ लो आपने पढ़ाई करी है, वरना पत्नी घर में रो रही और तुम दुनिया को ज्ञान उपदेश देते फिर रहे, क्या मतलब। एक पत्नी पति का सिर दबा रही थी, पत्नी एक पत्नी है, बीवी पति का, शोहर का सिर दबा रही थी, उसने बड़े प्रेम से सिर पे पल्लू लेके पूछा, क्यों जी शादी के पहले तुम्हारा सिर कौन दबाता था। पत्नी ऐसे आड़े टेढ़े प्रश्न बहुत जल्दी करती है, बहुत जल्दी। पत्नी पति का सिर दबा रही थी और उसने पूछा, क्यों जी शादी के पहले तुम्हारा सिर कौन दबाता था।
कौन श्री शिव नमस्तुभ्यम। पति ने जवाब दिया, शादी के पहले दर्द ही नहीं होता था। दर्द तो तू आई जब सच्चा था। बोल बम का नारा है, दर्द होए तो दबाऊ ना। जब से जगदम्बा आई चंद्र घंटा रोज घंटा बजा रहा, तब से सर तू ही दबा। दुखे दर्द हो तो बोला जाए, दर्द ही नहीं तो कौन दबाए। अरे देख लिया सनूटा है संसार, हमने देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते। अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठा है संसार हमने देख लिया, देख ला ये संसार बड़ा विचित्र विचित्र। पार्वती जी शिव जी से करें, आप किसको देते हो, आप किसको वैभव देते हो, आप किसको सत्ता देते हो, आप किसको धन देते हो, आप किसको प्रदान करते हो। माँ चिपरा के तट पर भवानी दुर्गा महारानी से, माँ देवी पार्वती से कहते हैं, पार्वती मैं उसी को देता हूँ जो दोनों हाथों से देना जानता है, मैं उसको लुटा देता हूँ। जो देना जानता है मैं उसको देता हूँ। कलम ने कथा में कहा था, आप एक बिस्कुट का पूरा देते हो, आप एक पानी का पाउच देते हो, आप एक कॉफी देते हो, किसी को बांटने के लिए दो पूरी बनाकर लाए, दो सब्जी बनाकर लाए, ठेवा बनाकर लाए, चाहे आप कुछ भी बनाकर लाए, आपने किसी को दिया। आप बैठे रहो, बैठे बैठे ही आपके पास में एक घंटा दो घंटा तीन घंटा चार घंटा के अंदर जो तुमने दिया है उससे दुगना तुम्हारे पास जरूर आएगा। निश्चित है, निश्चित। जो देना जानता है मेरा महादेव उसे देना जानता है। प्रेरणा लो इस शिव महापुराण की कथा से, प्रेरणा लेकर जाना कि कितने लोग यहाँ पानी बांटते हैं, कितने लोग यहाँ टॉफी बांटते हैं, कितने लोग यहाँ बिस्कुट बांटते हैं, कितने लोग यहाँ कुरकुरा बांटते हैं, कितने लोग यहाँ भोजन बनाकर भोजन लेकर बांटते हैं, कितने लोग सुबह सुबह चाय लेकर आकर बांटते हैं, कितने लोग रात्रि को पूरी सब्जी बांटते हैं, कितने लोग खिचड़ी बना बनाकर लाते हैं बांटते हैं, कितने लोग मिक्सर बांट रहे हैं, कितने लोग कुछ ना कुछ बांटने का काम कर रहे हैं। ये उनसे प्रेरणा लो और बाबा के इस धाम में इस पंडाल में बैठकर बोल कर जाओ, बाबा मुझे भी इस लायक बनाना कि एक कथा में जाकर मैं भी भंडार लूं, ये मुझे देना इतना कि मैं भी जाकर लुटा सकूं। तू दे सकता है, दुनिया में कोई नहीं दे सकता जो मेरा काल अधिपति दे सकता है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छत्ता फाड़ कर। वो देता है, वो देना जानता है। हम उससे मांगे, हम उससे लें, हम उसको पहचान पहचान जाएंगे अपना बना। भरोसे को दड़ी बनाना, बहुत सुंदर बात कही किसी ने, जब ज्यादा ठंड लगती है तो हम गर्म कपड़े को ओढ़ लेते हैं, कम्बल को ओढ़ लेते हैं, रजाई को ओढ़ लेते हैं, शॉल ओढ़ लेते हैं, कोई चादर ओढ़ लेते हैं, कोई रजाई, कोई तकिया, कोई आधिकाधिक चीजें जो ओढ़ने की होती है उससे, जर्किन वगैरह सब। ज्यादा ठंड पड़ने पर हम ओढ़ कर बैठ जाते हैं, ओढ़ लेते हैं। क्यों? अगर मान लो ज्यादा ठंड पड़ी और हमने ओढ़ा नहीं तो हमारा शरीर पूरा की पूरा कड़ला पड़ जाए, अकड़ जाए। हमारा शरीर ये पूरा अकड़ जाए, हमारा शरीर पूरा कड़क हो जाए। ठंड पड़े तो कम्बल ओढ़ना जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर कम्बल नहीं ओढ़ोगे, रजाई नहीं ओढ़ोगे, शाल नहीं ओढ़ोगे, स्वेटर नहीं ओढ़ोगे, आप अगर जर्किन नहीं ओढ़ोगे तो शरीर अकड़ जाएगा। दो समय पर शरीर अकड़ता है, दो समय पर, एक ठंड पड़ती है
तब भी शरीर अकड़ जाता है। और एक ठंड के समय पर और एक घमंड के समय पर शरीर अकड़ता ही है। ये दो समय पर शरीर अकड़ता है, एक ठंड के समय पर अकड़ेगा, गला पकड़ा एक ठंड के समय पर अकड़ेगा और एक घमंड के समय पर। ठंड के समय पर भी शरीर अकड़ता, ओढ़ लो, शाल ओढ़ो, रजाई ओढ़ो, कम्बल ओढ़ो, चादर ओढ़ो, कुछ भी ओढ़ो, ओढ़ो, जिससे ये शरीर अकड़े। और जब भीतर तुम्हें लगने लगे कि अब मेरे पास बहुत पूंजी आ गई, मेरे पास बहुत धन आ गया, लोग मेरी सुनने लगे, मेरे बात मेरी बात मानने लगे, तो ये घमंड जब तुम्हारे अंदर आ जाता है तो वो भी अकड़ सामने लेकर ठंड से बचने का इलाज है कम्बल रजाई ओढ़ लो, और घमंड से बचने का इलाज है कि भगवान शंकर की भक्ति को ओढ़ लो, तो घमंड तुम्हारे भीतर रह जाए। बोलबम का नारा है, अपने भीतर के अहंकार को, अपने भीतर के अभिमान को बाहर कर। अच्छा एक बात तुमसे पूछे जीजियों, एक उसी नगर की जीजियों और जीजाओं, बेटियों और बेटाओं, सब ईमानदारी से बताना, तुम्हारे घर में नल लगे हैं पानी के, टंकी में से या कहीं से भी पानी के नल लगे? अब उसमें पानी टपक रहा है तो घर में तुम पानी टपक रहा है, रसोई घर के नल में पानी टपक रहा है, बाथरूम के नल में पानी टपक रहा है, शौचालय के नल में पानी टपक रहा है, हॉल के नल में पानी टपक रहा है, बाथ बेसिन के नल में पानी टपक रहा है, बाथरूम के नल में पानी टपक रहा है, तो अपने घर के लोगों से कहा इसमें पानी टपक रहा है, बंद करो इसको। घर के लोगों ने प्लम्बर को बुलाया, उसको पानी टपकना बंद कर। कभी कभी प्लम्बर को भी नहीं बुलाया जाता, नल वाले को भी नहीं बुलाया जाता, घर में जो पति होता है, देवर होता है, जेठ होता है, ससुर होता है, घर का कोई भांजा भांजी चाचा भतीजा जो भी होगा, वो नल में से पानी टपकना बंद कर सकता। बहुत ध्यान दो, नल का पानी टपकना कोई भी बंद कर सकता है, पर आंखों से पानी टपकना तो केवल महादेव ही बंद कर सकता है। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि तुम्हारे नैनों के अश्रु को कोई बंद कर सके। दुनिया के लोग अगर बंद कर भी देंगे तो बाद में तुम लोगों को बंद करने के बाद कह भी देंगे कि हमने उनका साथ दिया था, हमने ये किया था, हमने ये करा था, हमने ये करा, हमने वो करा, पर जो नयन के अश्रु है वो महादेव को जानना ही कठिन। लोग कहें शिव क्या, हम कहते हैं शिव महाकाल है, शिव महामृत्युंजय है, शिव विश्वनाथ है, शिव कुबेरेश्वर महादेव है, वो शिव साधारण नहीं, दुनिया के दुख मिटाने वाला पर ब्रह्म परमेश्वर शंकर ही सर्वस्व, सब कुछ, सब कुछ। एक भरोसा आपके भीतर, एक विश्वास की दृढ़ता को उत्पन्न करिए। पार्वती जी पूछ रही आप किसको देते हो, शंकर भगवान कहते हैं जो लुटाना जानता है, जो देना जानता है, जो देना जानता है उसको भगवान शिव दे देते हैं, तुम देना जानते ही नहीं तो शिव देगा कैसे? जोड़ जोड़ के तिजोरी में भर लिया, जोड़ जोड़ के अलमारी में भर लिया, जोड़ जोड़ के रख लिया, बाद में मालूम पड़े सब छोड़ दिया, फोटो टंग गया, प्लास्टिक के फूल की माला डल गई, पंखा चलता था, माला हिलती थी, 16 सरात में फोटो को नीचे उतार दिया, खीर पूरी का भोग लगा के तुम्हारे फोटो पे चिपका दिया, इतनी सी जिंदगी है मानव की, अच्छा कर्म कर कर चले जाओगे तो जीवन की सार्थकता सिद्ध। मरने के बाद तो लोग भोजन कराते हैं, मरने के बाद तो लोग तुम्हारे यहाँ बैठने आते हैं, मरने के बाद तो दुनिया के लोग आकर पूछेंगे क्या हो गया था, कैसा था। शिवपुराण कहती है मरने के बाद किसी के दरवाजे पर जाओ चाहे मत जाओ, शिवपुराण कहती है जीते जी एक बार तो जाकर पूछ लो, रे क्या तकलीफ है तेरी जिंदगी में, बोल तुझे कष्ट क्या है। मरने के बाद गुलाब जामुन खाने से कोई लाभ नहीं है, मरने के बाद किसी को भोजन कराने से कोई लाभ नहीं है, मरने के बाद बैठ कर आने से कोई लाभ नहीं है, मरने के बाद रिश्तेदारों के घर में बैठने जाने से कोई फायदा नहीं, वो है तब जाकर पूछो कि तेरी जिंदगी में क्या तकलीफ है, क्या दुख चल रहा है, तुझे क्या कष्ट है। ये शिवपुराण नहीं है, ये शिवपुराण इन पत्रों के माध्यम से व्यक्ति के दर्द को सुनना और व्यक्ति के दर्द को जानना, ये महादेव ने प्रारंभ करा है, इसलिए लोगों का विश्वास शिव महापुराण के प्रति जागा। बोलबम का नारा है। 7 दिन की कथा में आज कौन सा दिन हो जाएगा?
छठा दिन हो जाएगा। आज की कथा वही 1 बजे से 4 बजे तक हो जाएगी, कल की कथा सुबह 8 बजे प्रारंभ होगी, 11 बजे विराम हो जाएगा। शिव महापुराण में उमाखंड में लिखा है, जब मेहमान जाते हैं अपना पर्स खोलकर घर के बच्चों को कुछ दे जाते हैं, उमाखंड में वर्णन किया, जब मेरा महादेव 7 दिन की शुक्रण कर 7वें दिन जब जाता है तो आखिरी में ना जाने किस किस को क्या क्या देकर चले जाता है, ना जाने क्या क्या। इसलिए हमारे यहाँ कथा जिस दिन विराम होती है उसके 1 दिन पहले की जो रात्रि होती है हम उसको शिवरात्रि कहते हैं। महीने में तो 1 शिवरात्रि आती है, 12 महीने में 12 शिवरात्रि आती है, पर जहां शिव महापुराण की कथा होती है उसका जो आखिरी दिन होता है उसके पहले की जो रात्रि, जैसे आज की जो रात्रि है उस रात्रि को यहाँ ढेरों लोग दूर दूर से आते हैं, बिस्तर बिछाते हैं, सो जाते हैं, सवेरे 8 बजे की कथा सुनते हैं, 11 बजे बाबा से झोली पसार कर प्रणाम कर बाबा सब दुख काटो महाराज बोल कर विनय कर झोली पसार कर मिट्टी को अपने शरीर पर लगाकर मिट्टी को अपने साथ लेकर बाबा को प्रणाम। ये उखड़ी है, ये उसको पहचाने हम, हमारे शंकर को हम जानने का प्रयास करें। जितने जितने असुर हुए वो पार्वती जी को शिव जी को पहचान नहीं पाता। एक विदल उत्पल नाम के असुर हुए, पार्वती जी की सुंदरता देखकर विदल उत्पल उनको पाने का प्रयास करने लगे। सुंदरता थी माता पार्वती जी की, सुंदरता है माता पार्वती जी की, और माता पार्वती सुंदर है, सुंदर है मां। पर एक बात अपने भीतर उतार कर रखना, गमले में गुलाब का फूल सुंदर है तो इसको तोड़ना नहीं है, बगीचे में गुलाब का फूल सुंदर लगा है उसको तोड़ना नहीं है। किसी की अगर सुंदरता है तो ये गलत विचार अपने भीतर नहीं लाना कि इसको मुझे पाना। विदल उत्पन्न ने गलत विचार अपने भीतर प्रकट कर अपने, और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। विदल उत्पल दो असुर जिन्होंने पार्वती जी की सुंदरता देखकर उनको पाने का प्रयास किया। माता पार्वती जी कार्य कर रहे थे, माता पार्वती जी अपने कार्य में लगी हुई, माता पार्वती जी अपने कर्मों में लगी हुई। विदल ने उत्पल ने आवाज लगाई, और विदल उत्पल ने जब आवाज लगाई, विदल उत्पल ने जब आवाज लगाई, हे पार्वती शिव की अर्धांगिनी हम तुझे अपना बनाना चाहते हैं। माता का क्रोध आ गया, और तेरे भक्त जनन पर माता वीर पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो मां कर दे सिंह सवारी। मां को क्रोध, माता को क्रोध, मां जगजननी को क्रोध, छोटी छोटी बात में घर के पुरुष को बुलाना जरूरी नहीं है। शुक्रान कर ए मेरी जीजियों, जितनी कॉलेज पढ़ने वाली बेटियां और जितनी स्कूल में पढ़ने वाली बेटियां, जितनी कॉलेज पढ़ने वाली बेटियां और जितनी स्कूल पढ़ने वाली बेटियां, किसी एरे गेरे नथू गेरे की बॉडी देखकर जीजियों मेरी बेटी इतना स्मरण तुम्हारे भीतर पर, किसी एड़े गेड़े को देखकर, नथु खेरे को देखकर, आड़े टेड़े को देखकर, जिनके पास में पेट्रोल का पैसा भी नहीं है, गाड़ी सुधरने आई और उसी गाड़ी को घुमाने के लिए ले गए और तुम्हें चाउमीन खिलाने लेगा, 10 रुपए की चाउमीन में तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर दो। मालूम पड़ा फिर अटैची में बंद कर टुकड़े टुकड़े कर हरिद्वार में कहीं कहीं अटैची में या फ्रिज में मिल रहे हो, क्या मतलब। मेरा बेटियों से निवेदन है, जरा सी बात के लिए घर के पुरुष नहीं, घर के पिता नहीं, घर का भाई नहीं, घर का पति नहीं, जरा सी बात है कोई तुम्हारी ऊपर निगाह उठाकर देख ले, आदि तो पार्वती है और तुम में आदि शक्ति शंकर की है, साधारण नहीं। क्यों थोड़ी सी विचार, थोड़ा सा क्यों,
क्यों हमें पेंशन लेना? हम पति से कहेंगे उसने हमको ऐसा कह दिया, उसने हमें घूर कर देखा, उसने मेरा हाथ को छुआ, उसने ऐसा करा। क्यों? तुम में बल है, तुम में शक्ति है, तुम देवी का एक रूप हो और शंकर तुम में समाया है। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि तुम पर कोई उंगली उठा ले और तुम्हें उठाकर नेत्र देख ले। तुम में वो बल है कि माँ दुर्गा भवानी कालरात्रि चामुंडा कात्यायनी भवानी भी जब क्रोध में आती है तो भगवान शंकर को भी नीचे सोना पड़ता है और लात रखा जाता है। किसकी सामर्थ्यता? किसकी सामर्थ्यता? आज सनातन धर्म को नीचे नहीं झुका पा रहे हैं, इसलिए विधर्मियों ने लव जिहाद को प्राथमिकता दे दी। सनातन धर्म नीचे ना जा पा रहा है ना, सनातन धर्म नीचे नहीं पहुंच पा रहा। सनातन धर्म को कैसे दबाया जाए, सनातनियों को कैसे दबाया जाए, ये हिंदू धर्म को कैसे दबाया जाए, सनातन धर्म को कैसे दबाया जाए? सनातन नीचे नहीं दब रहा, इसलिए लव जिहाद पर जोर दिया जा रहा है। सनातनियों की बेटियों को अपना बनाया जाए, सनातनियों की बेटी से विवाह करा जाए और फिर उनसे विवाह कर अगर वो कार्य ना करे और फिर उनको त्राण दिया जाए, दुख दिया जाए, तकलीफें दी जाए, कष्ट दिया जाए। और हम क्यों इतने प्रेम के जाल में फंसते हैं? मेरा निवेदन है मेरी बेटियों से, मेरा निवेदन मेरी बेटियों से, बेटा एक कुल तारता है और बेटी दो कुल तारती है। जो माँ बाप अपनी बेटी का कन्यादान नहीं कर पाते वो माँ बाप 94 तरह के नरकों में भोगते हैं, भुगतते हैं। इसलिए मेरा बेटियों से निवेदन है, तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारा भाई नरक से पार नहीं करेगा, तुम्हारे माँ बाप को तुम कन्यादान का मौका देकर नरक से पार करोगे। कितनी बेटियां बैठी हैं, जरा हाथ उठाओ तो जरा, यहाँ जो बेटियां बैठी हैं खड़ी हो जाओ अपनी जगह पर। जितनी बेटियां बैठी हैं, जो कुमारी हैं जिनकी शादी नहीं हुई वो खड़ी हो जाओ। हाँ हो जाओ खड़ी, शर्म नहीं करना अपने को, अपन बाबा के धाम में बैठे, मेरे बाप की जगह है, मेरे पिता की इस गलियारे में, मेरे बाबुल की भूमि पर बैठे, खड़ी हो जाओ। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बेटियां खड़ी हो और संकल्प ले आज कि हम अपने कन्यादान का मौका हमारे पिता को जरूर देंगे और उनको नरक से भी पार उतार देंगे। हम ये लव जिहाद के चक्कर में, जरासी बॉडी शॉडी के चक्कर में, जरासी गाड़ी के चक्कर में, 10 रुपए के पेट्रोल के चक्कर में, 50 रुपए के चाउमीन के चक्कर में हम अपनी जिंदगी, अरे साधारण का नहीं है। माता पार्वती जी की ओर जो निगाह उठाकर देखी, बिदल और पन्ने माता पार्वती को क्रोध आ गया, क्रोध आया माता पार्वती को, माता पार्वती ने गणेश जी का हाथ का कुंदुक पड़ा था, उस कुंदुक को उठाकर बिदल उत्तल को मार दिया। जो बिदल उत्तल को मारा, बिदल उत्तल का शीश कट गया, शंकर जी के चरणों में जाकर गिर गया। जैसे ही शिवजी के चरणों में कुंदुक गिरा, शंकर जी के सामने कुंदुक पड़ते से शंकर जी के सम्मुख में जैसे कुंदुक आया, कुंदुक आते से शिव जी का नाम कुंदकेश्वर पड़ गया। कुंदकेश्वर बोल, कुंदकेश्वर भगवान की, शिव जी का नाम कुंदकेश्वर पड़ गया। कुंदकेश्वर नाम कोई साधारण नाम नहीं है, कुंदकेश्वर नाम वो नाम है जो दवाई तुम्हारे शरीर में असर नहीं कर रही हो, दवाई खाते खाते ब्लड प्रेशर की, शुगर की, बीपी की, थायराइड की, घुटने की, कमर की, पीठ की, खूब दिन से गोली खा रहे हो, असर नहीं कर रही, उतना की उतनी तकलीफ है, तो फिर उस गोली को तुम खाओ, मना नहीं, डॉक्टर को दिखाओ, मना नहीं, सारा ट्रीटमेंट लो, मना नहीं, पर उस गोली को खाने से पहले आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर फिर गोली खाओ। 5 दिन के अंदर गोली असर करना प्रारंभ कर देगी उस शरीर के। कुंदकेश्वर, एक बार जम के बोलो, कौन से महादेव? फिर से बोलो जम के, कुंदकेश्वर महादेव। और एक बात बहुत अच्छे से अपने भीतर उतारिए, आपको लगता है मेरा पति बहुत मेहनत करता है और उसका कोई फल नहीं मिल रहा, बहुत परिस्थिति नीचे जाती जा रही है, खूब डाउन होते जा रहे हैं, हमारे पास में कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि मेरे पास इतना भी नहीं कि मैं सीहोर कुबेरेश्वर धाम भी चले जाऊं और रुद्राक्षोत्सव की कथा सुनकर। आपको लगता है ऐसा कि आपके पास में नहीं है इतना और मैं सीहोर तक भी नहीं जा पाऊं, मेरे पास धन? जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, जितने यहाँ पंडाल में सुन रहे हो, आपको लग रहा है मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरे पास में इतना नहीं है, मेरा बहुत व्यापार कर रहे हैं पर आई नहीं रहा, धन कहीं से नहीं आ रहा, बहुत टेंशन में जीवन चल रहा है, तब 7 बेलपत्र लेना है। कितनी बेलपत्र लेना है? 7। 7 बेलपत्र में से सबसे पहली बेलपत्र, घर से जब चलो तो घर के पास में जो घर के अंदर रसोई घर में मटका होता है, क्या बोलते हैं यहाँ पर, हंडा, मटका, गगरा, घड़ा, जिसमें तुम पानी भरते हो, टंकी, बाल्टी, जो भी होता है रसोई घर में जो पानी भरते हो पीने के, हंडे में, बॉटल, उसमें टंकी में, जिसमें भी तुम भर के रखते हो, एक बेलपत्र उस हंडे के पास में, मटके के पास में वहां रखना,
घर से उसी मटके में से पानी लेना है, उसी हंडे में से लोटा जल लेना है, उसको लेकर जाना है। एक बेलपत्र वहां रख दी, बची कितनी? छह बेलपत्र में से चलते चलते एक बेलपत्र पानी लेकर जब जाओ तब एक बेलपत्र बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बेलपत्र चढ़ा के उस पर जल चढ़ाना। छठी बेलपत्र, जल को पूरा मत चढ़ाना, जल लेकर चढ़ाना। पांचवे नंबर की बेलपत्र नंदीश्वर के पास में, जिस नंदी का पांव ऊपर की ओर हो, एक पांव नीचे दबा रहता है, पांव ऊपर, ऊपर वाले पांव के पास में एक बेलपत्र रख देना। पांचवे नंबर की बेलपत्र वहां रख देना। चौथे नंबर की बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह, हमने कई बार आपको अशोक सुंदरी का स्थान बताया है, ये जलाधारी, यहाँ जो बीच में से जल बहता है, बीच में एक मोटी लाइन होती है, अशोक सुंदरी। चौथे नंबर की बेलपत्र यहाँ रख दीजिए, थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए। तीसरे नंबर की बेलपत्र यहाँ बैठ कर जल चढ़ा रहे हो तो यहाँ रखो, यहाँ बैठ कर जल चढ़ा रहे हो तो यहाँ रखो, यहाँ बैठ कर चढ़ा रहे हो तो यहाँ रखो, मतलब पार्वती जी का जो हस्तकमल है उस पे रखना और उस पे जल चढ़ाना तीसरे नंबर में। दूसरे नंबर की बेलपत्र शंकर भगवान का जो शिवलिंग है उसके ऊपर बेलपत्र को रखना है। बेलपत्र की जो डंडी है, आप बैठे हो वहां पत्ती का मुंह होना चाहिए, डंडी का मुंह तुम्हारे ठीक विपरीत, बेलपत्र यहाँ रखें दूसरे नंबर में, जल चढ़ाएं। एक बेलपत्र जो सातवें नंबर की है, उस बेलपत्र को जो जलाधारी है जल चढ़ाने वाली, उस जलाधारी का स्पर्श कराएं और उस बेलपत्र को, उस बेलपत्र को वापस लेकर उसमें से थोड़ा सा जल उस जलाधारी में डाल दें। उस बेलपत्र को जो सातवें नंबर की बेलपत्र है उसका स्पर्श केवल जलाधारी को करकर, बाबा से विनती करकर उस बेलपत्र को किसी भी दिन आप अपने घर में लाकर रख लो। और कुबेरेश्वर धाम आप आना चाहते हो, बाबा से विनती कर कर आना, बाबा ऐसा धन देना कि मैं वहां जाकर लोगों को पानी पिला सकूं, बिस्कुट खिला सकूं, ऐसी कृपा करना। 7 मार्च को कथा प्रारंभ होगी कुबेरेश्वर धाम की। 5 मार्च के पहले पहले मेरा बाबा तुम्हारी झोली जरूर भरेगा और तुम्हें कुबेरेश्वर धाम जरूर बुलाएगा, पक्का। ज्यादा दूर का नहीं सोचना, नजदीक। 7 बेलपत्र का उपाय, सप्तपत्र, 7 बेलपत्र का उपाय शिव जी का एक आनंद फल प्रदान। पहली परिंडे के पास, दूसरी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, तीसरी नंदी के यहाँ, चौथी अशोक सुंदरी के यहाँ, पांचवी पार्वती जी के यहाँ, छठी भगवान शंकर के ऊपर, सातवीं जलाधारी का स्पर्श कराकर। जल कितनी जगह चढ़ेगा? जल कितनी जगह चढ़ेगा? केवल 5 जगह पर। एक बेलपत्री के पेड़ के नीचे, दूसरा अशोक सुंदरी की जगह, तीसरा पार्वती जी की जगह, चौथा शिवलिंग के ऊपर और पांचवा जो जलाधारी है ऊपर, उस 5 जगह पर एक ही लोटे में से थोड़ा थोड़ा जल। और बाबा से विनती करना है आपको, बाबा मेरा ये दुख है आप मिटा दें, बाबा मेरा ये कष्ट है समाप्त करना, बाबा मुझे सीहोर पहुंचना है, कुबेरेश्वर धाम जाना है, रुद्राक्षोत्सव में लोगों को भंडारा खिलाना है, बाबा इतनी झोली भरना मेरे दाता मैं स्वस्थ होकर कुबेरेश्वर धाम की धरा पर पहुंच सकूं। विनती करो, विनय करो, निवेदन, प्रार्थना, श्री शिव नमस्तुभ्यम। झोली पसार का प्रणाम करोगे, श्री शिव।